तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे जो प्रीवियस आइडिया हमारे पास आता है लाइट का, वो आता है न्यूटोनियन फिजिक्स से। मतलब 1687 में न्यूटन ने जो आइडिया दिया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कुलर नेचर, यानी छोटे छोटे कॉर्पसल्स हैं जिनसे मिलके लाइट बनी हुई है, और ये कोई वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल नेचर रखती है। उसके बाद न्यूटन ने अपने लॉज दिए, जिसमें तीन तो उसके लॉ ऑफ मोशन है, और फिर देखा कि फोर्स जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, और फोर्स के नतीजे में कैसे हम वर्क, एनर्जी और ये बेसिक चीजें जो है ना वो मालूम करते हैं। यानी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसकी एक बेसिक्स जो है वो 1687 में बुनियाद रखी गई और वो स्टार्ट हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी ये डेवलप होती रही, और ये 1788 में आपके पास लेग्रांज ने इस क्लासिकल मैकेनिक्स में एक कुछ स्केलर क्वांटिटीज को यूज करते हुए काम किया, और आपको यहाँ मिली इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो अपना क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स, तो उसमें आपने लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन या फोर्स की जो इक्वेशन है वो आप मालूम कर चुके हुए हैं, जो कुछ डी एल बाय डी टी इंटू कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट, और साथ में कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू की फॉर्म में आती थी, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो लेग्रांज है दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसी दौरान थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1801 में, और वो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए था? दिस वाज अबाउट इंटरफेरेंस। यानी उस वक्त तक ये फिनोमिना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर रखती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और जो बेसिकली इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करने के लिए था। अब लाइट के बारे में पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि ये कॉर्पस्कुलर नेचर रखती है, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि लाइट इज अ वेव, क्योंकि इट कैन इंटरफेयर। लाइट की इंटरफेरेंस, उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें लाइट की पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन वगैरह को देखा गया। ये पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन के भी फिनोमेना जो है वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम तक फिर ये कंसिडर कर लिया गया कि लाइट जो है इट हैज द वेव नेचर। इस एक्सपेरिमेंट को, यंग्स के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, वो जो पोलराइजेशन वाले कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे पोलराइजेशन पे, कोई खड़ा था डायफ्रेक्शन पर, और ये अल्टीमेटली जो है इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को जब यूनाइट किया गया तो पता चला कि लाइट की जो नेचर है वो वेव लाइक है। 1834 में हैमिल्टोनियन ने भी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप की, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आप पढ़ते हैं, और वो है आपके पास होता है टी प्लस वी, मतलब सम ऑफ एनर्जीज को आप हैमिल्टोनियन कह देते हैं। तो ये सारा काम चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स में। 1859 में किरचॉफ ने एक आइडिया दिया, दैट वाज अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसने ये किया था कि कैविटी ली और उसको एक मतलब बॉक्स लिया और क्यूबिकल स्ट्रक्चर टाइप, उसके अंदर से उसने कैविटी बनाई, और कैविटी को अंदर से सारा जो है इस तरह से बना दिया कि जितनी भी लाइट उसके अंदर जा रही थी ना वो सारी एब्जॉर्ब हो रही थी। इसी के बेस पर, क्योंकि ये इट कैन एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ लाइट, इसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। मतलब ये इस तरह नहीं है कि वो कोई ब्लैक कलर की है, ब्लैक का मतलब है कि सारी की सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जब उसको हीट दी गई, तो ड्यू टू द हीट ये जो रेडिएशन थी सारी की सारी ये एमिट हो गई विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेडिएशन जो है एमिट होती गई। तो ये जो आइडिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये पेश किया किरचॉफ ने, मतलब जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी एक ऐसी कैविटी जो सारी की सारी लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, और उसके बाद जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इमिट भी हो जाती है ये लाइट। 1877 में बोल्ट्जमैन ने हमें एक आइडिया दिया जो कि था डिस्क्रीट एनर्जी और रैंडमनेस का। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप जानते हैं कि ये जब पहले प्रेजेंट किया गया आइडिया, उसके बाद जब इसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन दी गई, तो इसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए वैलिड था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लो फ्रिक्वेंसीज के लिए वैलिड था। सेंटर वाला जो रीजन था फ्रिक्वेंसी का, उसके लिए कोई आइडिया नहीं पता चल रहा था कि ये कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ आइडियाज जो है वो प्रेजेंट हुए,
तो लेकिन यहाँ पर जो मेन बात करने वाली है वो ये है कि बोल्ट्जमैन ने जो लॉ दिया उसने दिया था डिस्क्रीट एनर्जी का. उसने कहा कि जो एनर्जी है ना ये कोई कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है. और इसके अलावा ये एनर्जी जो है ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको एग्जैक्टली पता हो कि भाई कौन सी रेडिएशन पहले निकल रही है कौन सी बाद में निकल रही है, मतलब ये कुछ रेंडम टाइप है. लेकिन हुआ ये कि इसने तो अपना आइडिया रैंडमनेस का दे दिया, लेकिन उस वक्त तक जो एरा था आपके पास वो ऐसा था जिसमें हर चीज़ के बारे में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी. मतलब 1877 के आसपास तक इवन लॉर्ड केल्विन ने ये कहा था कि अब फिजिक्स में कुछ भी नहीं है जिसको नया हम डिटेक्ट करें, हर चीज़ जो है हम मालूम कर चुके हैं. और अक्सर जो दूसरे साइंटिस्ट है वो भी ये कहते थे, क्योंकि बहुत सारा काम थर्मोडायनामिक्स में भी हो चुका था, मतलब जैसे लॉज भी उसके पेश किए जा चुके थे और हर काइनेटिक थ्योरी भी डेवलप हो चुकी थी और उसके बाद इसमें इंजन्स भी जो है वो भी इन्वेंट हो चुके थे. और इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो भी प्रेजेंट हो चुकी थी यहाँ तक. और मतलब उसमें ये सारा काम हो चुका था कि किस तरीके से जो है आपके पास कूलम्स लॉ, गॉज़ेस लॉ और कैसे ये सारे लॉज मिल के आपको चार मैक्सवेल इक्वेशन दे देते हैं और किस तरीके से आप वेव इक्वेशन मालूम कर सकते हैं. और आप ये कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ वेव which is traveling like a wave with a speed and with a power and with an energy. तो यहाँ पर ये idea देना कि यहाँ पर एक discreteness है और randomness है, तो ये एक बड़ा अनोखा काम था, क्योंकि उस वक्त तक लोग जो है उनका एक इस किस्म का था mind कि हर जो चीज़ है उसको determine किया जा सकता है और हम अब तक physics को जान चुके हुए और जितना भी कुछ करना था हम कर चुके हुए. लेकिन बोल्ट्जमैन का जो आइडिया था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट. वो ये कह रहा था कि नहीं, हम फिजिक्स को नहीं जान चुके हुए हैं पूरा और डिटर्मिनिस्टिक वाली कोई अप्रोच नहीं है, हर चीज़ रैंडम है और हम जो है किसी भी चीज़ को खुद से मुतय्यन नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि रैंडमनेस का मतलब ये होता है. और इसी के बेस पर फिर आपने देखा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं, आपने मेरे ख्याल वो एक पढ़ लिया होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, शायद क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आ जाता है. तो ये जो आइडिया जब इसने प्रेजेंट किया ऑब्वियसली वो एक ऐसा एरा था जिसको विक्टोरियन एरा कहते हैं. तो उस टाइम तक लोगों का बस यही माइंडसेट था कि जी नहीं कोई इस तरह का मसला नहीं है, हर चीज जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, हम हर चीज को जान सकते हैं. तो फाइनली किसी ने इसके आइडिया को जो एक्सेप्ट ही नहीं किया, लोगों ने कहा कि हम इस आइडिया को, इस फजूल आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते. और फाइनली उसने जो है बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर सुसाइड कर ली. विद द पैसेज ऑफ टाइम 1885 में बाल्मर सीरीज जो है वो प्रेजेंट की गई, बाल्मर ने प्रेजेंट की. और बाल्मर सीरीज किसके लिए है, आपने देखा होगा कि एटम की अंडरस्टैंडिंग के लिए है. और ये आपको ये बताती है कि किस तरीके से हाइड्रोजन एटम में कौन कौन से लेवल्स हैं, जब आप एन की वैल्यू टू पुट करते हैं तो तब आपके पास ये बाल्मर सीरीज आ जाती हैं. और फिर बाल्मर के वर्क के बाद आपने ये देखा होगा कि उसमें फास्टन सीरीज भी है, लाइमन सीरीज भी है, ये सारी की सारी आ गई. 1887 में हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था जिसने के प्रेजेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना दैट वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. लाइक बेसिकली क्या हुआ था कि वो कुछ और काम करना चाह रहा था और उसने क्या किया, एक जिंक की प्लेट ली और उसको सनलाइट में रखे. तो बाद में जब उसने चेक किया तो जो प्लेट थी वो चार्ज थी. तो वहां से फिर उसने ये कहा कि इसका मतलब है कि अगर किसी भी आप कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर सनलाइट को फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज जो है वो एमिट होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली हर्ट्ज ने प्रेजेंट किया था. लेकिन इसमें जो है बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. मतलब क्लासिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ है, लाइक हम ये कह रहे थे कि जो इंटेंसिटी के साथ साथ जो है वो वेरी करती है, आपके पास वेवलेंथ और नंबर ऑफ फोटॉन्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, इस किस्म के कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी. तो लेकिन ये सब का सब था क्लासिकल थ्योरी से, यानी एक्सपेरिमेंट जो है वो हो चुका हुआ था लेकिन उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी. यानी कि बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं वो करते हैं आपके पास थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देते हैं और एक्सपेरिमेंटलिस्ट का काम होता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं और उसकी बेस पर फिर वो फैसला करते हैं बाद में कुछ ना कुछ. तो इसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन मौजूद थी लेकिन थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी.
उस वक्त जितनी फिजिक्स मौजूद थी उसके हिसाब से। 1888 में रेडबर्ग फार्मूला आया, और ये फार्मूला भी इस तरह था कि ये जो रेडबर्ग था इसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट की भी कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं थी। ये भी क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था, तो एक्सपेरिमेंट से इसने क्या किया कि वो फार्मूला से एक डिवेलप कर लिया और एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी रिजल्ट्स आए उसकी बेसिक्स पर इसने फार्मूला कर लिया डिवेलप। लाइक उसके पीछे कोई बहुत ह्यूज थ्योरी नहीं थी, कुछ नंबर वगैरह इसने डाले और फार्मूला बना लिया। 1896 में जो है वो हेनरी बेक्वर्ल ने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया। अब जो रेडबर्ग फार्मूला की हम बात कर रहे थे वो यही थी कि बेसिकली जब इसने ये किया है तो इसकी कोई जो है फिजिकल इंसाइट मौजूद नहीं थी या इसका कोई मैथ्स मौजूद नहीं था, इसने जस्ट एक फार्मूला डेवलप किया था। 1896 में हेनरी बेक्वर्ल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की, और वो आई थिंक सो आपको कुछ आइडिया है उस एक्सपेरिमेंट का कि उन्होंने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसके बाद वो गोल्ड वगैरह उसके साथ रखा और फिर देखा कि रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है, और फोटोग्राफिक फिल्म रखी उन्होंने और फिल्म जो है वो डिवेलप हो गई। इसके बाद 1897 में आया जनाब ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? ज़ीमैन ने पेश किया था ये इफेक्ट। उसने कहा था कि जी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना किसी जगह पर, तो जो लेवल्स है ना एटम के एनर्जी लेवल्स, वो स्प्लिट हो जाते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी उस वक्त इस पर भी बहुत काम हो रहा था, और वो कौन कर रही थी? क्यूरी फैमिली, मतलब क्यूरीज जो है उन्होंने उस वक्त ये बताया कि रेडॉन और रेडियम वगैरह को यूज करते हुए हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी अचीव कर सकते हैं। मजीद जो काम 1897 में हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में डिस्कवर हुए, और ये किए जे.जे. थॉमसन ने। और ये जो डिस्कवरी थी ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेक था कि इसकी बेसिक्स पर बहुत सारी हमने बाद में कैलकुलेशंस की, यानी इसी की बेस पर हमने फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा और फिर हमें मुख्तलिफ लेवल्स जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की उनकी एनर्जी मिली। अच्छा जी, 1901 में प्लैंक्स ने डिस्कवर किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, उसने आपको क्वांटम इंटरप्रिटेशन दी। मतलब पीछे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की कि ये रेडिएशन का आइडिया किरचॉफ ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर जो प्लैंक्स है उसने इसको एक्सप्लेन किया। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैलिड है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कह रहा था कि लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैलिड है, लेकिन जो सेंट्रल रीजन था उसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा था। तो फिर प्लैंक ने एक आइडिया दिया, मैक्स प्लैंक ने, और वो जो प्लैंक आइडिया था दैट वॉज सच काइंड ऑफ आइडिया कि उसकी बेस पर सारा का सारा जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम था वो समझ में आ गया। वो आइडिया क्या था कि इसने ये बात की कि ये जो कैविटी है ना इसमें जो एटम्स है दे आर बिहेव लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ मूव करते हैं। और क्योंकि तब तक हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में भी पता चल गया था, और हमें ये भी पता चल गया था कि जो एटम्स होते हैं ना दे हैव वाइब्रेटरी मोशन अबाउट मीन पोजिशन, मतलब चाहे वो सॉलिड्स के हैं चाहे वो गैसेस के हैं जो भी हैं दे हैव वाइब्रेटरी मोशन, और जाहिर है जब इनकी वाइब्रेटरी मोशन है तो दे कैन एक्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो यही आइडिया प्लैंक ने दिया था कि जो कैविटी के एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एटम्स की वाइब्रेशन है ये पीरियोडिक भी है और डिस्क्रीट भी। जाहिर है जब आपने उसको कह दिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट है इनकी वो पीरियोडिक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की ये आपके पास क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो जो मोशन है वो पीरियोडिक होती है, दूसरा ये कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी खास होती है। तो इसलिए भी इसने कहा कि ये जो वाइब्रेशन ऑफ एटम है ये पीरियोडिक भी है और डिस्क्रीट भी है। तो इसी वजह से जो रेडिएशन है ना जब निकलती है वो हमें क्वांटाइज नजर आती है। यानी इसने कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि रेडिएशन जो है वो क्वांटा ऑफ रेडिएशन का, या फिर इसने कोई एनर्जी पैकेट का, या फिर जो उसको कहते हैं फोटोन का कॉन्सेप्ट इसने नहीं दिया था। इसने जस्ट ये कहा था कि जो एटम्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और उनका एक खास टाइम पीरियड है, और वो जो है खास उनकी जो मोशन है इट इज डिस्क्रीट नेचर, और उसकी वजह से जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो जो रेडिएशन है वो भी क्वांटाइज है, यानी उसकी भी कोई खास फ्रिक्वेंसी है, वो भी पीरियोडिक है। तो 1913 में बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया,
अब जो एटॉमिक मॉडल है उसके भी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो कि आप पढ़ चुके हुए हैं कि सबसे पहले जो मॉडल प्रेजेंट किया गया था दैट वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जगह जगह पर जो है बिल्कुल आप कंसीडर करें कि एक पुडिंग की तरह एटम है और उसमें जगह जगह पर पॉजिटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं, जस्ट लाइक आप उसमें केक या फ्रूट केक वगैरह एम्बेडेड होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने आइडिया दिया स्कैटरिंग की बेस पर कि नहीं जी सेंटर में कोई रीजन है और बाकी सारा एटम खाली है। फिर बोहर ने जो है वो ये एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया जिसके मुताबिक ये था कि सेंटर के अंदर जो है वो आपके पास न्यूक्लियस है और उसके अराउंड मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। 1921 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट था स्पिन क्वांटाइजेशन के बारे में। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव स्पिन और ये जो स्पिन अप हो सकती है ये डाउन हो सकती है। 1922 में फिर जी आ जाता है कॉम्पटन और उसने प्रेजेंट किया कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमें क्या कहता है, यही कहता है कि अगर किसी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेडिएशन आ रही है, यानी इसने काम किया कुछ हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपके पास लो फ्रिक्वेंसी के लिए, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो मौजूद है। लेकिन जो आपके पास है कॉम्पटन इफेक्ट वो एक्सरेज के लिए होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी है। अच्छा जी, जहाँ हम बात कर रहे थे कि प्लैंक ने आइडिया पेश किया था तो उसके बाद फिर आइंस्टाइन ने उसे आइडिया को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई किया था और उसने बताया था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं दे आर ऑल्सो क्वांटाइज, मतलब एक खास फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है जब वो फॉल करती है तो उस खास फ्रिक्वेंसी से ऊपर जब होगी फोटोन की फ्रिक्वेंसी तभी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकेंगे, हर फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं निकलता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का निकल है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। और इसने फिर कॉन्सेप्ट दिया था एनर्जी क्वांटा का फोटोन का, उसने कहा था कि लाइट के एनर्जी पैकेट्स हैं और ये सारा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था और इसी की बेस पर फिर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। हालांकि काम इसका जनरल रिलेटिविटी का था, उस पर नहीं मिला इसको नोबेल प्राइज, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला है। फिर जी हमने कहा कि क्वांटम इफेक्ट पे आ जाते हैं। क्वांटम इफेक्ट जो है ये था अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब जब आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट कहीं किसी मौजूद इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरती है तो वो स्कैटर हो जाती है। ड्यू टू द फील्ड फील्ड इंटरेक्शन इस स्कैटरिंग के नतीजे में जब लाइट स्कैटर होती है तो हायर वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ की आपको मिलती है, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है स्कैटरिंग में। तो ये जो है ये भी पार्टिकल नेचर के बारे में आपको बताता है। 1924 में पॉली ने प्रेजेंट किया पॉलीक्लुइन प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल आपको क्या कहता था कि कोई भी जो दो आपके पास मौजूद है ना इलेक्ट्रॉन्स उनकी सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो सेम नहीं हो सकती। यहाँ से आइडिया आपको मिला था स्पिन अप और स्पिन डाउन का कि अगर बाकी की सारी स्टेट्स जो हैं जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो सब सेम भी हो जाए ना तो स्पिन जो है वो डिफरेंट होगी। यानी आपके पास ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों जिनके की सारी स्टेट्स एक जैसी हों। इसने फिर यहाँ से जो ये प्रिंसिपल है ये बेसिकली है फर्मियॉन्स के बारे में। फर्मियॉन्स वो खास पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन होती है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, तो उसमें फिर अप और डाउन का कॉन्सेप्ट है। 1924 में ही एक और साइंटिस्ट था सिंदरनाथ बोस, बोस ने अपनी एक स्टैटिस्टिक्स पेश कर दी और उसने एक थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन डिवेलप की किसके लिए, बोजॉन्स के लिए। बोजॉन्स आर काइंड ऑफ पार्टिकल्स जिनकी जो मोशन है या जिनकी जो स्पिन है दिस इज इंटेग्रल मल्टीपल, मतलब फर्मियॉन की हाफ इंटेग्रल मल्टीपल और बोजॉन की जो है फुल इंटेग्रल मल्टीपल है या HF के बराबर है। और इसने क्या किया था, इसने एक वो रिसर्च पेपर लिखा, आर्टिकल लिखा और उसके बाद इसने स्टैंड किया जो पब्लिश नहीं हुआ, तो फिर इसने आइंस्टाइन की हेल्प ली, इसने आइंस्टाइन को भेजा और इन दोनों ने फिर वो एक स्टैटिस्टिक्स डिवेलप की और इसलिए ये जो फिर स्टैटिस्टिक्स कहलाई बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और इसके नेम पर वो जो पार्टिकल्स जो फुल स्पिन वाले हैं वो कहलाए बोजॉन। तो 1925 में नेक्स्ट जो काम हुआ दैट वॉज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और ये यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट हुई। उसने 1925 में पहले डी ब्रॉये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आई। डी ब्रॉये, प्रिंस डी ब्रॉये,
इसने एक वे पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया. इसने कहा जी आप जैसे बात कर रहे हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो लाइट है इट कैन बिहेव लाइक पार्टिकल, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स दे कैन बिहेव लाइक वेव. तो इसने फिर कॉन्सेप्ट दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी का, जिसमें फिर इसने कहा कि हर जो वेव एक पार्टिकल है उसके साथ वेव टैग्ड है और वो सिग्नेचर वेव है, और जिस तरह लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स है ना जो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं. यहाँ से फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बुनियाद पड़ी. और हाइजेनबर्ग जो है इसने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा जी कि ऐसे है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते डिटर्मिनिस्टिकली किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी पार्टिकल को. अगर जो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल है अगर आप उनका मोमेंटम मैयर कर सकते हैं तो आप उनकी पोजीशन मैयर नहीं कर सकते, अगर आप उनकी पोजीशन मैयर कर सकते हैं तो आप उनका मोमेंटम मैयर नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी. तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इसी के बेस पर इसने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह दी जो कि ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स का. जो इसने ये बात की ना तो असल में हुआ ये था कि ही वॉज वर्किंग एज अ पोस्ट डॉक स्टूडेंट, और इसका जो टीचर था दैट वॉज मैक्स बॉर्न. इसने कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा जिसमें इसने ये सारी बातें लिखी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, और इसने एक अलजेब्रा सा डेवलप किया. तो उसने क्लासिकल मैकेनिक्स की पॉइसन ब्रैकेट्स वगैरह को इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके ना तो एक बना लिया एक पेपर डेवलप किया और एक पूरा थ्योरेटिकल वो जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जर्वेबल्स और उनकी जो क्वांटिटीज हम ऑब्जर्व करें उसके हिसाब से इसने एक अलजेब्रा पूरा डेवलप कर लिया. अब ये जब इसने अपने टीचर को दिखाया दैट वाज मैक्स बॉर्न, तो उसने उसको बताया कि भाई ये जो आपने बनाया है ये आपके पास लीनियर अलजेब्रा है, और उसने फिर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करके और फिर इसको पब्लिश करवाया. तो बेसिकली इसका काम क्या था कि ये कहता था कि जो कैनोनिकली कॉन्जुगेट ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. यानी अगर हम किसी चीज को नहीं जान रहे तो वो उसकी वजह ये नहीं है कि हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमें उसका इल्म नहीं है या हम इग्नोर है, बल्कि बात यह है कि हम उसे जान सकते ही नहीं है क्योंकि वो फिनोमिना ये चाहता ही नहीं है कि हम उसे जाने. यानी कायनात जो है उसको जाना नहीं जा सकता, ये इसने बात की थी. और मतलब बात इस वे में थी कि अगर आप किसी सिस्टम को देख रहे हैं ना या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं. वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि हम उसके ऊपर या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या हम उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, कुछ भी ऐसा काम करें. तो उसने कहा था कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करते हैं ना तो फिर क्या होता है, आप बेसिकली सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं. आपको नहीं पता कि वो ओरिजिनली क्या है. सिस्टम लगाने के बाद की इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद की सूरत हाल आपके पास आती है, और उस सूरत हाल के जरिए आप ये पता ही नहीं चला सकते कि बेसिकली सिस्टम इससे पहले किस हालत में था. तो इसलिए आप एग्जैक्टली मेजरमेंट्स जो है एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर ही नहीं सकते. ये इसने बात की थी हाइजेनबर्ग ने. तो अब हुआ ये कि क्योंकि उस वक्त तक जो एरा था वो इस किस्म का ही चल रहा था कि वहाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट यही था कि वी कैन डिटरमिन ईच एंड एवरीथिंग एंड वी कैन डिटरमिन everything with accuracy. तो इसका जो आइडिया था ना उसको फिर बड़ा रिजेक्ट किया गया, और मतलब इसके इस आइडिया को श्रोडिंगर और आइंस्टाइन ने तो प्रॉपर जो है अपोज किया. हाइजेनबर्ग और जो मैक्स बॉर्न थे ये एक साइड पर थे, ये अपने आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे अनसर्टेनिटी को, लेकिन श्रोडिंगर और आइंस्टाइन जो है वो ये दोनों कह रहे थे कि जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हर चीज सर्टन है. बल्कि आइंस्टाइन का तो एक वो बड़ा मशहूर कोट भी है कि वो ये कहता था गॉड डू नॉट प्ले विद डाइस, मतलब अल्लाह ताला जो है उन्होंने हर चीज सर्टन नहीं भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ अनसर्टन हो. यही बात श्रोडिंगर करता था. अब क्या किया कि श्रोडिंगर ने कहा कि भाई ऐसी बात है ना कि भाई आप नॉन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको जान नहीं सकते या कायनात को जान नहीं सकते या आप इकट्ठे मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं. और उसने क्या किया, उसने भी एक वेव इक्वेशन पेश कर दी. मतलब सिर्फ इसलिए उसने किया ये सारा कुछ ताकि वो गलत साबित कर सके हाइजेनबर्ग को. लेकिन हुआ क्या कि जो उसने वेव इक्वेशन पेश की वो वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिया, और वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके उसने अपनी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई. तो वो जो इक्वेशन थी उसके जो रिजल्ट्स थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया. तो बेसिकली वो उसको गलत साबित करना चाह रहा था लेकिन उसको वो सही साबित कर चुका था. 1928 में फिर जो डिराक है
उसने एक इंटरप्रिटेशन दी क्वांटम मैकेनिक्स की, और उसने ये क्या किया, उसने श्रोडिंगर इक्वेशन वाला काम भी लिया, उसने हाइजेनबर्ग वाला काम भी लिया, और जब उसने देखा तो दोनों के रिजल्ट सिमिलर थे, तो फिर उसने ये कहा कि यू कैन नॉट फूल द नेचर, मतलब ये कि जो क्रस्पॉन्डेंस है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो हैं, मतलब वो ये बता रही हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन का भी काम वही है और हाइजेनबर्ग का भी काम वही है, मतलब दोनों के दोनों जो हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेस जरूर हो सकती है लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो सिमिलर है। 1932 में फिर एक साइंटिस्ट था वॉन न्यूमन, इसने एक बुक लिखी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसने क्या किया कि जो काम था हाइजेनबर्ग का, जो काम था श्रोडिंगर का, जो काम था डिराक का, इन सब को मिला के ना एक किताब लिख ली, और आजकल जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो ये वॉन न्यूमन की बुक से ही बनाई गई है और सारी इसी को ही हम करते हैं सॉल्व। तो ये लेकिन ये जो सारा झगड़ा पड़ा हुआ था हाइजेनबर्ग का और श्रोडिंगर का और ये सारा, तो इसी को फिर बोहर ने जो है एक कॉन्फ्रेंस करवाई, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस उसे कहते हैं, और वो कोपेनहेगन में हुई जगह पर, और वहां पर फिर जो है इन दोनों को अपने आइडियाज प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया, वहाँ प्रॉपर ऐसे डिस्कशन हुई, सारे साइंटिस्ट ये आए, इन्होंने अपना अपना आइडिया प्रेजेंट किया, और अपना आइडिया प्रेजेंट करने के बाद बकायदा उसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी तवील बहसें हुई, जिसके बाद मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे उन्होंने एग्री किया इस बात पे कि हाँ जी जी ये बात बिल्कुल ठीक है जो हाइजेनबर्ग कर रहा है और जो मैक्स बॉर्न कर रहा है, कि वाकई ही चीज़ों में अनसर्टेनिटी मौजूद है और ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और हम ये मानते हैं कि भाई ये अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो फाइनली लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि इस सारे काम से जो श्रोडिंगर है वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया कि उसने ये फील्ड ही छोड़ दी और उसने बल्कि बायोलॉजी की फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1935 में एक ईपीआर पैराडॉक्स आया जिसमें ई फॉर आइंस्टाइन, पी फॉर पोडोल्सकी और आर फॉर रोजन था। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक पैराडॉक्स प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, हाइजेनबर्ग को इन्होंने कहा, क्योंकि ये आइंस्टाइन जो है ही वॉज वेरी हाँ जिसको कहना चाहिए ना बड़ा वो माहिर था थॉट एक्सपेरिमेंट्स का। तो इन्होंने कहा जी ठीक है हम आपकी बात मानते हैं लेकिन ये इतनी बकवास की बात है आपकी कि देखें जी एटॉमिक स्पिन के बारे में हम बात कर लेते हैं, हम कह रहे थे जी एक एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि हम ना दोनों को ना बहुत दूर दूर ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं हम उसको मैयर कर लेते हैं ठीक है, या उसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसके नतीजे में उसकी जो स्पिन है ना वो हमें पता लग जाती है, जैसे हमने स्टन का लक एक्सपेरिमेंट में बात की है। तो वो कहते हैं कि उससे ठीक है बाकी तीन जो है वो एटॉमिक नंबर क्वांटम नंबर सेम है और फोर्थ जो स्पिन है ना वो किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में डाउन हो गई। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या द प्रॉपर अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी तो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से, कि यहाँ तो हमें एग्जैक्टली पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसकी स्पिन डाउन है तो दूसरे की अप क्यों नहीं। तो ये उसने कहा जी आपका आइडिया फेल है कि जी हम चीजों को जान नहीं सकते, हम जान सकते हैं। इसी तरीके से फिर वहां पर श्रोडिंगर ने भी अपना आइडिया दिया जिसको आप वो श्रोडिंगर कैट वाली बात करते हैं, उसने कहा जी ठीक है आपका अगर एक्सपेरिमेंट इतना ही है तो हम ऐसे करते हैं हम एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में अगर मैं अपनी कैट रख देता, अब क्या है कि अब मैंने क्या किया है कि उसको ना मैंने बंद कर दिया, अब जो बिल्ली बॉक्स में मौजूद है आपकी थ्योरी के मुताबिक वो जिंदा भी है और वो मुर्दा भी है ठीक है जी, क्योंकि वो तो ये कहते हैं ना किसी चीज को मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वो जिंदा है और ये भी नहीं बता सकते वो मुर्दा। तो उसने कहा ये क्या अजीब बात हुई कि जी बिल्ली जो है वो जिंदा भी है वो मुर्दा भी है, तो ये तो अजीब पैराडॉक्स है, जाहिर है हम जब तक उस चक्कर को नहीं उठाएंगे तो हम नहीं देखेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा बिल्ली जिंदा है कि मुर्दा है, और अगर हमने उसको उठा लिया तो फिर आप ये कहते हैं कि आप तो जी बता ही नहीं सकते कि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, आपने सिस्टम को तबाह कर दिया, तो आपकी जो है वो अनसर्टेन किस्म की चीजें। तो ये श्रोडिंगर ने फिर जो आइडिया है वो पेश किया, उसने कहा जी नहीं मैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेन के प्रिंसिपल को बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि इसके मुताबिक तो अगर हम वो कैट वाली बात करें तो वो बॉक्स में मौजूद है तो इसका मतलब है एट अ टाइम वो जिंदा और मुर्दा दोनों हालत में, जो कि पॉसिबल नहीं, और दूसरा उसकी किसी भी कंडीशन को देखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें खोलना पड़ेगा बॉक्स। तो ये एक पैराडॉक्स इन दोनों की थी, इन्होंने ये डेवलप की और इन्होंने कहा जी ये सारा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। 1964 में फिर एक बेल्स थ्योरम आया है और 2009 में जो है वो आरन डी ओकनल जो है इसने क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो डिस्कवर किया,
और क्वांटम मशीन का आइडिया आया, जिसमें क्वांटम पेंडुलम जो है वो मौजूद है. ये क्वांटम पेंडुलम जो है ये बेसिकली आपके पास MIT में एक पेंडुलम मौजूद है, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं. अब पहले तक का जो आइडिया था 1964 और उससे पहले तक का, ये था कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच लगाते थे, या हम उनकी जो ऑब्जर्वेबल्स उनके जो है वो क्वांटम मैकेनिकल ऑर्डर के थे. लेकिन 2009 से अब हमने इसको ये देखा है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद जितना भी काम हुआ वो सारा का सारा क्वांटम फील्ड थ्योरी पे है. वो बहरहाल बहुत एडवांस किस्म का काम है, अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री के किस तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना वो वजूद में आई है और वो डेवलप हुई है. तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, के एवोल्यूशन कैसे हुई है क्वांटम मैकेनिक्स में. तो 1925 में जो क्वांटम मैकेनिक्स प्रेजेंट की थी वो हाइजनबर्ग ने की थी, और हाइजनबर्ग ने इसका जो आइडिया दिया था वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स का दिया. मैट्रिक्स आप लोग समझते हैं ना, वो जो काले उर्दू में आप कहते हैं, तो ये मैट्रिक वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो मैट्रिक्स है उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स की फॉर्म में, यानी लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में, हाइजनबर्ग ने इसको डिवेलप किया था. 1926 में श्रोडिंगर ने जो आइडिया दिया उसको हम कहते हैं वेव मैकेनिक्स. मतलब उसने ये कहा था कि जी वेव फंक्शन मौजूद होते हैं और इन वेव फंक्शन पर हम कोई ऑब्जर्वेबल अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में हमें वेव इक्वेशन मिल जाती है, और हम इससे फिर मुख्तलिफ क्वांटिटीज जो हैं जैसे उनका मोमेंटम है या उनकी एनर्जी है वो सारा कुछ मालूम कर सकते हैं. 1930 में जो आइडिया आया वो डिराक ने दिया, और उसने एक नई नोटेशन दी जिसको आप ब्रा कैट नोटेशन कह सकते हैं, जिसमें मैट्रिक्स और वेव मैकेनिक्स दोनों को मिक्स करके दी थी, और यही जो बुनियाद है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और डेंसिटी मैट्रिक्स अप्रोच वगैरह सारी इसी के बेस पर बनी हुई है. आप इसको कैनोनिकल क्वांटाइजेशन भी कहते हैं. ये जो पहली तीन चार टेक्निक्स मैं बताऊंगी आपको वॉन न्यूमैन तक. 1932 में वॉन न्यूमैन ने जो बुक लिखी वो एक्सीमेटिक क्वांटम मैकेनिक्स उसमें इस्तेमाल हुई है, और एक्सीमेटिक क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि आपने जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको लिंक कर दिया किसके साथ, हिल्बर्ट स्पेस के साथ. एक उसने अपनी न्यू स्पेस जो है वो यूज़ की, और अब इन सारों में आपके पास सिमिलैरिटी क्या है कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं कॉलम मैट्रिक्स, वेव मैकेनिक्स में हम यूज़ करते हैं वेव फंक्शन, डिराक नोटेशन में हम यूज़ करते हैं कैट नोटेशन, और इसमें एक्सीमेटिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइडिया है हिल्बर्ट स्पेस का उसमें हम एक पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये इस तरीके से सारी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हो रही है. 1948 में फेनमैन ने इसको एक मजीद अप्रोच के साथ, नई अप्रोच के साथ आइडिया दिया, और उन्होंने अप्रोच किया थी पाथ इंटेग्रल कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट सब कॉस्मोलॉजी और क्वांटम ग्रेविटी वगैरह के फिनोमेनास में इस्तेमाल हो रहे हैं, और फर्दर जो QFT या कोई भी ऐसे सारी चीज़ें हैं मैनी पार्टिकल सिस्टम्स वाली, उनमें भी यही पाथ इंटेग्रल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. तो डायसन ने उसके बाद आइडिया दिया क्वांटम फील्ड थ्योरी का, जिसमें मैनी पार्टिकल सिस्टम और मैनी पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वो भी हम ऑन द बेसिस ऑफ पाथ इंटेग्रल ही मालूम करते हैं. तो ये बेसिकली आपके पास चार पांच किस्म की अप्रोचेज हैं जिनकी बेस पर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और अभी हम यही देखेंगे. हम इसमें मैट्रिक्स मैकेनिक्स देखेंगे, वेव मैकेनिक्स देखेंगे, हम ब्रैकेट नोटेशन देखेंगे, और फिर हम हिल्बर्ट स्पेस की बात करेंगे किस तरह एक पॉइंट को उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैकेट नोटेशन. तो ये आपके पास बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली जस्टिफाई करने के लिए थ्योरीज को, ये कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, वो वेव फंक्शन की फॉर्म में है, वो आपके पास ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्म में है, और वो हिल्बर्ट स्पेस में ज्योमेट्रिकली उनको रिप्रेजेंट करने की फॉर्म में. तो ये हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं जिनको हम यूज करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब हम जब अपना स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को, तो उसमें हम देखेंगे कि वो किस अप्रोच से जो है हमने उसको स्टार्ट करना है. मैट्रिक्स, वेव मैकेनिक्स, मतलब ये सारी की सारी आपने ये इस सेमेस्टर में कोर्स पढ़ना है, नेक्स्ट में भी पढ़ना है. तो दोनों सेमेस्टर्स में आपने बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी है कि आपने ऑब्जर्वेबल्स को स्टडी करना है, आपने ऑपरेटर्स को स्टडी करना है, और फिर आपने ये देखना है कि आप कभी उन ऑपरेटर को वेव की फॉर्म में ले रहे होंगे, वेव फंक्शन की फॉर्म में, कभी आप उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में ले रहे होंगे, कभी आप उन्हें ब्रैकेट की फॉर्म में ले रहे होंगे, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो